हूँ कुंदरू की सब्ज़ी बनाने, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होता है। इसके लिए मैंने कुछ कुंदरू लिए हैं, इसे मैं चार भागों में कट कर ली हूँ। बड़ा कुंदरू हो तो आप इसको छः भाग कर सकते हैं या चार भाग भी, आप इसी तरह से कट कर लें। और इधर मैंने दो से तीन आलू लिए हैं जिसे मैंने कट कर लिए हैं। तो चलिए, दो प्याज को मैंने करके, छोटे से प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिए, इस तरह से आप भी ग्राइंड कर लें। तो इधर मैंने गैस ऑन कर दिए हैं, बड़ी वाली स्पून से मैं एक स्पून के लगभग सरसों तेल डालूंगी इसमें, और इसे गर्म करूंगी। एक से डेढ़ चम्मच के लगभग डालें, आधी चना डालें, तो गर्म हो जाए। उसके बाद में मैं इसमें हल्का सा इसे फ्राई कर दूँगी, भून लूँगी। भूनने से बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है सब्ज़ी। तो चलिए मैं भून लेती हूँ, अभी मैं इसे ऐसे ही भूनूंगी, अभी इसमें और कुछ मैं नहीं डालूंगी। रखिए और उसे पानी में अच्छे से धुल लिए, इस तरह से इसे धुलते हुए डाल कर तरह से हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से आप ही। तो चलिए मैं इसे तरह से हर दो मिनट पर इसे आप चलाते रहें, जिससे दोनों तरफ से अच्छे से ये सिक जाए। आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन हो चुका है, हल्के से ये सीखे हैं। इस तरह से आप भी इसे निकाल लें, और जो तेल बचेगा उसको मैं मसाले ऐड करूँगी, सूखे मसाले। इस तरह से सबसे पहले आप आलू को भून लें अच्छी तेल में। चलिए मैं आलू को भी भून लेती हूँ। जब ही हल्का सा गोल्डन कलर होने तक भून लें, इस तरह से चलिए मैं भून लेती हूँ। धीमे ही तेल रखकर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे हल्का गोल्डन कर लिया है। अभी से मैं प्लेट में ट्रांसफर कर लूँगी, और जो बच्चा तेल होगा उसमें मैं इसे मसाले पीछे ऐड कर लूँगी। इस तरह से आप ही पूरे निकाल लें प्लेट में, इधर मैं निकाल ले रही हूँ। इसी तरह से आप ही भून लेकिन मैंने बहुत ही टेस्टी और यम्मी इसकी सब्ज़ी होती है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने की इच्छा होगी। मैंने आधी चम्मच के लगभग जीरा लिया है, सूखे मिर्चे हैं इसे मैंने कट कर लिए हैं, थोड़े से अदरक को मैंने कूट लिए हैं। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। हम इन सबको हल्के से भून लें, हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें प्याज का चीजी जो मैंने बनाया है उसे मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से हल्के से भून लें, आप अदरक को भी अच्छे से भून लें। इस तरह से मसाले डाल लें, प्याज पहले अच्छे से भून लें, उसके बाद में कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि जो जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन कलर का हो चुका है। अब आप इसे दो चुटकी के लगभग आप हल्दी पाउडर ऐड कर लें, इसमें मिर्ची पाउडर भी आप अभी स्पून के लगभग एक से बड़े स्पून से आप ऐड कर लें। सब्जी मसाले थोड़े से डाल दें एक चम्मच के लगभग, और गर्म मसाले भी आप इसमें ऐड कर लें। सबको अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, थोड़ा से गर्म पानी डाल देंगे, क्योंकि वो आज इसे अच्छा बना रहे हैं। थोड़ा सा आज इसे मसाले और सारे इसमें हल्के से मसाले जब भून गए तो आप इसमें कुंदरू और आलू टाइप किए हुए उसे डाल। आप देख सकते हैं कि तेल छूट चुके हैं मसाले से, इसका मतलब है कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी इसमें आप सारे कुंदरू और जो आलू थे उसे आप लगभग आगे पक चुके हैं, इसके लिए से दो से तीन मिनट ही पकाने पड़ेंगे। इस तरह से आप इसे मिला लें थोड़ी सी, यहाँ पर मैंने एक चम्मच के लगभग नमक लिया है। इसी तरह से अभी वाइट है थोड़ी, इसलिए आप लोग को नहीं आ पा रहा होगा। इस तरह से डाल लें, आवश्यकता पड़े तो आप इसे थोड़े से। तो देखिए मैंने एक गिलास के लगभग पानी लिया था, आधे गिलास के लगभग मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी, और इसे चट लगा करके ढक के आप इसे दो से तीन मिनट तक पका इस तरह से। चलिए मैं कैप लगा लेती हूँ, मिलती हूँ मैं सर्व करके खाने के लिए रेडी है। तो चलिए मैं इसे और
सर्व करके आप लोग को दिखाती हूँ। आप इसे पूरी पराठे चावल लंच में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, कुंदरू और आलू की सूखी सब्जी। देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी सब्जी बनी है, प्लीज़ आप लोग भी इसे बनाइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।